हाय भरोसे वालों, कैसे आप सब लोग? होप सो खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, चिलम चिल्लाम कर रहे होंगे। नहीं भी कर रहे तो करो भरोसे वालों, क्योंकि एक दिन रह गया, उसके बाद कपिल शर्मा शो में आ रहे हैं रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर। नो डाउट आज के दौर में रोहित शर्मा की जो डिमांड चल रही है ना, कि पूरा हर साल ऐसा होता था कि IPL खा जाता था कोहली, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा पांड्या ने कर ही ऐसा दिया कि पूरा का पूरा IPL का फोकस हो गया रोहित शर्मा के ऊपर। तो भाई रोहित नो डाउट मेरे तो फेवरेट हैं, नो डाउट कोहली ने बहुत किया, लेकिन मेरे फेवरेट भाई रोहित शर्मा है। तो रोहित शर्मा एक कमाल के बैट्समैन है। तो भाई जितना इस टाइम पब्लिक की सम्पत्ति रोहित को मिल रही है ना, किसी और प्लेयर को नहीं मिल रही। तो इसी टाइम पे कपिल के शो में आ जाना रोहित शर्मा का और साथ में श्रेयस अय्यर का आ जाना, पहली बात तो ये इंडियन टीम के बहुत बड़े नाम है। उसके बाद अभी रिसेंट IPL चल रहा है, तो IPL में मुंबई इंडियंस की रोहित शर्मा एक दौर था जब कैप्टनसी करते थे, लेकिन आजकल पांड्या साहब कर रहे हैं। तो और दूसरे टाइम पर जो KKR के कैप्टन हैं वो श्रेयस अय्यर हैं। तो भाई ये दोनों बंदे इस सैटरडे को आ रहे हैं कपिल शर्मा शो के अंदर, और जैसा कि पूरे देश में IPL का माहौल है, तो उसी तरह से होने वाला है कि अब कपिल शर्मा शो के अंदर जहां पर बॉलीवुड सितारे आते हैं, वहां पर अब आएंगे हमारे रोहित जी। मतलब शर्मा जी वर्सेस शर्मा जी होगा, कपिल भी शर्मा आगे से रोहित भी शर्मा। तो भाई मज़ा आने वाला है, बहुत कमाल का। अभी कुछ प्रोमो भी रिलीज़ किए नेटफ्लिक्स ने, और क्या बवाल किस्म का, ऐसे पूरा क्रिकेटिंग माहौल बना दिया है, एकदम मज़ा आ गया देख के। हालांकि पहला एपिसोड जो था जिसमें रणबीर कपूर की फैमिली आई थी या रणबीर कपूर आए थे, वो इतना बढ़िया शो नहीं था, इतना बढ़िया उसमें लाफ्टर की डोज नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल में जो सेकंड एपिसोड आ रहा है, जिस तरह से प्रोमो देख रहे हैं, प्रोमो देखने से पता चलता है कि भाई नहीं, बहुत बढ़िया एपिसोड बना है, बहुत बढ़िया एपिसोड बना। ऊपर से रोहित शर्मा की जो आजकल फैन फॉलोइंग चल रही है, तो नो डाउट हर बंदा जाना चाहता है कि भाई चलो भाई के मुंह से कुछ सुना जाए। तो हर बंदा देखेगा, जितने भी IPL के फ़ैन हैं, जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट के फ़ैन हैं, जितने भी रोहित के फ़ैन हैं, जाहिर सी बात है इंडिया में भी होंगे और भी कंट्रीज़ में होंगे, तो वो भी इस शो को बहुत दिल से देखेंगे कि भाई नहीं शर्मा जी आ रहे हैं। और साथ श्रेयस भी यंग है, उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी लोग देखने जाएंगे। उसके बाद शो ऑलरेडी नया नया है, तो मेरे ख्याल में कपिल का बहुत बढ़िया डिसीजन था सेकंड एपिसोड में श्रेयस को लाना और साथ में रोहित शर्मा को लाना, क्योंकि भाई एकदम सोने पे सुहागा होने जा रहा है IPL के साथ, IPL का माहौल, और ऊपर से इस तरह का शो आ जाए, और ऊपर से आ भी IPL के बंदे ही जाएँ, तो भाई और क्या चाहिए पब्लिक को, क्या बोलती पब्लिक, और क्या चाहिए भाई। लोग फिर इंजॉय इंजॉय होगा, मज़ा ही मज़ा होगा, क्योंकि पर्दे की बातें पर्दे के पीछे अच्छी लगती हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। और ये जब पर्दे के पीछे की बातें पर्दे के सामने आती हैं, तो हम तो यही देखते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे की बात का हमें पता नहीं होता। तो नो डाउट पर्दे पे आएगा जब, तो मज़ा आने ही वाला है। और रोहित शर्मा लव यू हो गया भाई, आप कमाल के बैट्समैन, बहुत मज़ा आता है आपकी बैटिंग देखने का। होप्सो आप में से भी बहुत सारे रोहित के फ़ैन होंगे, CS के तो होंगे ही होंगे, लेकिन रोहित के ज़्यादा फ़ैन होंगे आई थिंक, और जितने भी उसके फ़ैन हैं वो देखेंगे ही देखेंगे शो, और ऑलरेडी कपिल शो के भी बहुत ज़्यादा फ़ैन है। तो भाई एकदम सोने पे सुहागा है, बहुत बढ़िया आने वाला शो और बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे तो ऑलरेडी पहले एपिसोड में भी बहुत मज़ा आया था, अभी तीसरे एपिसोड में आई थिंक आमिर खान आने वाले हैं, तो भाई तो मिस्टर परफेक्ट भी आएंगे तो और मज़ा आएगा भाई। लेकिन अभी के लिए ये न्यूज़ है कि शर्मा जी आ रहे हैं और साथ में श्रेयस अय्यर आ रहे हैं। तो बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा कनेक्शन भी आपस में बढ़ा रहे। शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़।